आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एलर्न आईटीआई में। आज के वीडियो में हम आपको MT3 का स्लीव बना के दिखाएंगे। जैसे हम स्लीव को किस तरह से बनाया जाता है और उसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर होते हैं वो किस तरह से बनाया जाता है और MT3 का टेपर, इसके बारे में आज का वीडियो हम पूरी जानकारी लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल सबसे पहले कट कर लेना है, जैसे जितनी लंबाई होती है उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल कट कर लेना है। उसके बाद हम 3-जा या फिर 4-जा मशीन, जो आपकी मशीन है उसके ऊपर आपको जो आपको लगाकर सबसे पहले हम फेसिंग कर लेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम फेसिंग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका हम फेसिंग कर लेंगे। फेसिंग करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा टर्निंग करेंगे, जैसे पीछे वाला भाग होता है सबसे पहले हम जो हमारा स्लीव होता है स्लीव का पीछे वाला भाग बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फेसिंग कर लिया है, उसके बाद हम थोड़ा सेंटर ड्रिलिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ड्रिलिंग हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो सेंटर ड्रिलिंग क्योंकि इसके ऊपर हमें बिटवीन सेंटर में काम करना होता है इसलिए हमने सेंटर ड्रिलिंग कर लिया है। उसके बाद आपको स्टेप टर्निंग करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले पीछे का जो टैंक वाला भाग होता है टैंक वाले भाग को बनाएंगे। तो टैंक वाला भाग जैसे एक फ्लैट वाला वर्टिकल शेप में फ्लैट वाला भाग होता है उस वाले भाग को हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टेप टर्निंग करना है। स्टेप टर्निंग करते समय जो हमारा डायमीटर है डायमीटर हम बना लेंगे, जितना भी जो स्लीव का साइज रहता है स्टैंडर्ड उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम स्टेप टर्निंग कर रहे हैं और जो हमने यहाँ पर स्टेप टर्निंग कर लिया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप जो आप प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है जो हमने बैक साइड हमने बना लिया था, उसके बाद उसे पलटा कर सामने वाला साइड को हमें लगाना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें इसका फेसिंग करके इसके ऊपर हमें सेंटर ड्रिलिंग करना है। तो जैसे हमने जॉब को ट्रू कर लिया उसके बाद सबसे पहला कट हम फेसिंग का कट करेंगे। फेसिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको इसके ऊपर सेंटर ड्रिलिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेंटर ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ये जो आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं हमारा सेंटर ड्रिलिंग है। तो सेंटर ड्रिलिंग होने के बाद हम आपको नेक्स्ट वाला प्रोसेस है, इसमें हम सेंटर सपोर्ट देंगे। तो सेंटर सपोर्ट देने के लिए हमने रिवॉल्विंग सेंटर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले उसके बाद जो हमने सेंटर ड्रिलिंग करने के बाद सेंटर सपोर्ट दिया, तो जो हमने पहला स्टेप बनाया उस पहले स्टेप के ऊपर आपको जो आपको होल्ड करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको प्लेन टर्निंग कर लेना है। प्लेन टर्निंग मतलब ऊपर वाला जो भाग आपका जो साइज है साइज में आपको पूरा एक्यूरेट बना लेना है, क्योंकि जब हम प्लेन जो हम साइज बना रहे हैं उसके हिसाब से ही आपका पूरा प्लेन टर्निंग करके जॉब को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब का हमने जो ऊपर वाला भाग है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए हमने फिर से एक और कट लगा रहे हैं। इस कट को कंप्लीट करने देंगे, इस तरह से पूरा टर्निंग कर लेंगे। प्लेन टर्निंग जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग होने के बाद हम आपको क्या, जैसे जो हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट के सहायता से क्या होता है कि जिसमें जब हमारा स्लीव है स्लीव के ऊपर से ड्रिल को बाहर निकाला जाता है, तो उसमें जो होल होता है उस होल को सबसे पहले हम इस ड्रिल मशीन की सहायता से हम ड्रिलिंग करके इसमें जिसमें यू स्लॉट होता है तो यू स्लॉट को तैयार कर लेंगे। तो तीन हमने ड्रिलिंग कर लिया है, उसके बाद इन तीनों ड्रिल का जो होल है होल को मैच कर लेंगे, मतलब इस यहाँ पर पूरा एक स्लॉट बन जाएगा जहाँ पर हम ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज़ करके ड्रिल को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया। उसके बाद पीछे वाला जो हमारा टैंक वाला भाग होता है, जैसे मैंने सबसे पहले कहा था वर्टिकल पोजीशन में ये हमारा फ्लैट आकार में होता है वर्टिकल पोजीशन में, तो सबसे पहले हम जो पीछे वाला स्टेप बनाए तो उसके ऊपर हम फ्लैट बना लेंगे, जो इसका कम से कम 8 mm इसका थिकनेस होता है, 8 से 6 mm इसका थिकनेस होता है। उसके हिसाब से बाकी दोनों साइड से हम मटेरियल को कट करके इसका फ्लैट वाला भाग हम तैयार कर लेंगे। जो आप नॉर्मली स्लीव यूज़ करते हैं वर्कशॉप में या फिर हम जब आप ITI में काम किए होंगे तो पीछे सेंटर ड्रिल होता ही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ड्रिल। आपको पूरा बनने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट में भी पता चलेगा कि हम क्या बना रहे थे, जो स्लीव बड़े साइज का आकार है। तो हमने पीछे वाला भाग हम कंप्लीट कर लिया है, फ्लैट हमने वर्टिकल पोजिशन में फ्लैट तैयार कर लिया है। इसके बाद का प्रोसेस है इसको हम बिटवीन सेंटर में हमें पकड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको इस तरह से पकड़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला प्रोसेस होगा इसके ऊपर ड्रिलिंग वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब हमारा ट्रू हो चुका है। इसके बाद हमें बड़े साइज का ड्रिल लगाना है। ये जो अभी आप स्लीव यूज़ किया है उसी स्लीव को हम बनाने वाले हैं, MT3 तीन नंबर का स्लीव हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले ड्रिलिंग कर लेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद बोरिंग कर लेंगे। बोरिंग करने के बाद इसके बाद का स्टेप जो हमारा है इंटरनल मोर स्टेपर हम टर्निंग करेंगे, जो मोस्ट टेपर का एंगल होता है 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री का टेपर टर्निंग करने के लिए हमें 1.5 डिग्री सेट करना होता है।
तो वो भी हम आपको दिखाने वाला। तो ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम बोरिंग टूल के सहायता से हम जॉब के ऊपर बोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिल के सहायता से पूरा एक्यूरेट जो साइज चाहिए होता है हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रिल का साइज भी एक स्टैंडर्ड साइज में ही बनता है। इसके बाद बोरिंग करने के बाद हमने बोरिंग कर लिया, उसके बाद आपको 1.5 डिग्री सेट करना है, क्योंकि टेपर टर्निंग करते समय जॉब के दोनों साइड से कट होता है और हम कट वन साइड से लगाते हैं, तो हम जब हम 1.5 डिग्री लगाएंगे तो 3 डिग्री में कट होता है। तो इसके लिए जब भी कभी आप टेपर टर्निंग करते हैं तो जो जितना डिग्री दिया जाता है उससे हाफ डिग्री आपको सेट करना है। इंक्लूडेड एंगल से आपको हाफ इंक्लूडेड एंगल सेट करेंगे तो इंक्लूडेड एंगल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंटरनल मोस्ट टेपर टर्निंग कर लिया है। इसके बाद हम फाइनल एक कट लगाएंगे। अभी हमने एक ड्रिल को लेकर चेक किया कि डिग्री बराबर हो रहा है कि नहीं। इस तरह से हम इंटरनल मोस्ट टेपर टर्निंग कर लेंगे। जो हम आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, स्लीव बना रहे हैं, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोस्ट टेपर है। तो ये जो हम प्रोसेस करें मोस्ट टेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा 18 mm का ड्रिल है, 18 mm का ड्रिल प्रॉपरली बैठ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेट करके भी हम दिखा रहे हैं, प्रॉपरली एकदम सेंटर में रोटेट हो रहा है। इस तरह से इंटरनल वाला भाग हमारा हो गया है मोस्ट टेपर टर्निंग। इसके बाद हम एक्सटर्नल टेपर टर्निंग भी करेंगे, क्योंकि यह स्लीव भी कोई स्पिंडल के अंदर ही लगता है। तो सबसे पहले हम मोस्ट टेपर टर्निंग करते समय आपको जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल टेपर टर्निंग कर रहे हैं अभी, 1.5 डिग्री का एंगल है सेट किया हमने जो आपको दिखाया था। तो इसमें हमें रिटर्न कट लेना है। रिटर्न कट क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बिटवीन सेंटर में वर्क कर रहे हैं, और बिटवीन सेंटर में वर्क करते समय आपको कैरियर लगाना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर कैरियर लगाने के लिए हमारे पास था नहीं, क्योंकि मतलब जो पीछे वाला भाग है पूरा फ्लैट है, तो इसलिए हमें विदाउट अगर बिटवीन सेंटर में आप टर्निंग कर रहे हैं तो आपको कट बहुत मतलब लाइट कट लगाना है। लाइट कट करते हुए ही आपको जॉब को कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्सटर्नल टेपर टर्निंग कर लिया है, और जो हमारा स्लीव है पूरा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, ले चुका स्पिंडल में प्रॉपरली बैठ गया। इसके ऊपर हम ड्रिल बिठा कर भी दिखाएंगे। ये जो देख सकते हैं हमारा पूरा प्रॉपरली बन चुका है। तो आज का वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से स्लीव को बनाया जाता है, और एक्सटर्नल और इंटरनल मोस्ट टेपर टर्निंग किस तरह से किया जाता है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।